हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आप अपने बालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं? आपके जो बाल है बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके जो स्कल्प है बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, इससे आपको इचिंग भी होती है और हेयर फॉल भी हो रहा है, आपके बालों से शाइनिंग भी चला गया है, आपके बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई रह रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी रह रहे हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज भी कर लिया है और आपको कोई रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिला है, और बहुत ज्यादा अगर केमिकल भी अपने बालों में लगाओगे तो आपके बाल जो है डैमेज होते ही होते हैं। सो गाइज, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है आपके, वो सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट है कौन सा, आइए मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो है शैम्पू एंड हेयर मास्क। वो कौन सा ब्रांड के लिए है मैं बता देती हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। गाइज, जो प्रोडक्ट है ना मैं आपको बता देती हूँ, ये इंस्टेंट वेदा का जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये शैम्पू है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये शैम्पू एंड ये हेयर मास्क है। और ये जो शैम्पू है इंस्टेंट वेदा का, टी वाटर हेयर शैम्पू विद विटामिन ई एंड आर्गन ऑयल, और ये जो है इंस्टेंट वेदा का है टी वाटर हेयर मास्क। इससे इन दोनों को अप्लाई कैसे करना है और वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो में बने रहेंगे। ओके, तो आपको भी है अपने बालों से प्यार तो आज ही लाइए इंस्टेंट वेदा का टी वाटर हेयर शैम्पू। ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसको हेयर फॉल को रोकेगा, आपके रीग्रोथ हेयर भी होना शुरू हो जाएगा, आपके बालों को बहुत ही स्मूथ रखेगा, शाइनिंग रखेगा, एंड आपके बालों में ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा। इसे यूज़ कैसे करना है आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाइज, तो ये शैम्पू को कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं वॉशरूम में ही हेयर वॉश करूंगी, बट स्टिल मेरे को दिखाना था कि इसे कैसे यूज करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको ये इंस्टेंट वेदा का टी वाटर हेयर शैम्पू लेना है। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हो मैंने अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया है, देन उसके बाद मैंने ये शैम्पू ले लिया है। और ये शैम्पू को हमें करना क्या है, अपने स्कैल्प के अंदर अच्छे से हम अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से हम मसाज करेंगे। ओके, तो जो हमारे ये ड्राई स्कैल्प है ना वो एकदम सही हो जाएगा, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा। इससे होगा क्या कि हमारे जो हेयर ग्रोथ रुक चुकी है वो वापस हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाएगा, और जो ड्राई स्कैल्प है वो भी सही होगा। और तो ये देखो, और फिर ये शैम्पू को हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने बालों में स्कैल्प में लगाने के बाद पूरे लट्टों में हम अच्छे से शैम्पू कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपके बालों से शाइनिंग चली गई है तो अगर ये शैम्पू यूज करते हैं तो आपके बालों में ना शाइनिंग में आ जाएगा वापस, और साथ ही आपके डैमेज हेयर को भी ये सही करेगा ये शैम्पू। तो चलो मैं अच्छे से शैम्पू करके वॉशरूम में जाती हूँ शैम्पू करने, फिर शैम्पू करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, जब तक आप लोग वेट करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आती हूँ इसे अच्छे से वॉश करके। ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पे बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके बाद मैं क्या करूंगी कि इंस्टेंट वेदा का जो ये हेयर मास्क है ये अप्लाई करूंगी, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स भी मैं लगाते लगाते अप्लाई करते करते आपको बताती हूँ। ओके, सो गाइज, ये जो इंस्टेंट वेदा हेयर मास्क जो है इसे कैसे यूज करना है वो तो आगे मैं वीडियो में बता दूंगी, आप लोग देख लेना। इसके मैं बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार इस मास्क को लगाते हैं, जब भी हेयर वॉश करते हैं उसके बाद हेयर मास्क लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, ये नरिश करेगा आपके स्कैल्प को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और साथ ही आपके ये नेचुरल हेयर रूट्स को भी बेनिफिट्स देगा। और क्योंकि इसमें जो ये टी वाटर है ये आपके बालों को ग्रोथ रीग्रोथ करने में हेल्प करेगा, और साथ ही डैमेज हेयर को भी रिपेयर करेगा। और अगर आपके बाल जो
सो गाइज हमें ये इंस्टेंट वेदा का जो हेयर मास्क है इसे अप्लाई कैसे करना है मैं बता देती हूँ। इससे पहले इसका बेनिफिट पहले मैं आपको बताती हूँ। ये इसका जो बेनिफिट है ना, पहले तो आपके स्कल्प को अच्छे से नरिश करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपके बालों को ना प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है। जो जो इन्ग्रीडियंट्स है मैं डिस्प्ले पे दे दूंगी, आप लोग देख लेना। तो चलो इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो एंड मैंने अपने इतने लिए हेयर मास्क का, और ये ऐसे ऐसे लगाएंगे पार्टीशन निकाल निकाल कर अच्छे से बालों के स्कैल्प में हम इसे लगा लेंगे और फिर अपने बालों में मसाज देंगे इसको ऐसे स्कैल्प में अच्छे से। आपको पूरे स्कैल्प में अच्छे से आपको मसाज देने हैं इस मास्क के जरिए, ओके। और जैसे आपके मास्क लग जाए आपके बालों में, फिर आपको क्या करना है, आपके जो बाल हैं ये लटों में भी इसे हमें अप्लाई कर लेना है। तो पहले तो मैं स्कैल्प में अच्छे से मसाज करती हूँ। ऐसे आपको मसाज देने हैं इस मास्क के हेल्प से लगाने के बाद। ये मास्क जैसे आपने लगा लिया अपने फिंगर टिप्स से मसाज कर लेना है, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। और जैसे आपको लगे कि हाँ स्कल्प में अच्छे से लग गया है तो इतना और ले ले, अपने बालों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले। देन उसके बाद ये लटों में भी हमें ऐसे मास्क को लगा लेना है। एकदम इजी तरीका मैंने बताया आपको कि कैसे आप लगा सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर हेल्दी बाल चाहिए, स्वस्थ बाल चाहिए तो आपको तो करना पड़ेगा, इतना तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अच्छे से लगाया अपने बालों में और इसको मैं थोड़ा होल्ड करके इसको रखती हूँ ऐसे, आप लोग देख सकते हो। मैंने इसे यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, 10 से 15 मिनट तक रहने दूंगी। देन उसके बाद इसे वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ओके। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने बालों को अच्छे से सुखा कर ड्राई करने के बाद अगले दिन मैं ये अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो मेरे बालों में कितना ज़्यादा शाइनिंग दिख रहा है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है और मेरे बाल हेल्दी भी लग रहे हैं। तो अगर आपको भी मेरे तरह बाल चाहिए तो आप ये इंस्टेंट वेदा का हेयर शैम्पू एंड हेयर मास्क अपने लिए मंगवा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सारे डिटेल्स जितने भी है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। अगर आपको ये शैम्पू लेना है एंड साथ ही आपको ये कंडीशनर लेना है तो आप इनके वेबसाइट से ले सकते हैं। सारे डिटेल्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेकआउट जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स।